रथ पर सवार नगर भ्रमण को निकले भगवान जगन्नाथ। त्रिलोकीनाथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा को पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है। पुराणों की मान्यताओं पर गौर करें तो यह रथ यात्रा भगवान की बहन सुभद्रा के नगर भ्रमण की इच्छा पर शुरू हो गई थी, जो समय के साथ परंपरा बन गई है। सनातन धार्मिक परंपराओं में पवित्र रथ यात्रा का आयोजन प्रयागराज के मेजा के पांती के सिद्ध हनुमान मंदिर से शुरू होकर भगवान जगन्नाथ के जयकारे के साथ नगर भ्रमण को निकली। हनुमान मंदिर परिसर से जगन्नाथ रथ यात्रा तय तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मंगलवार को शाम 6 बजे शुरू की गई। नगर भ्रमण के लिए निकले रथ के साथ हाथी घोड़ा गाजे बाजे चल रहे थे। साथ में चल रहे भक्तगण भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे। यात्रा में शंख ध्वनि घंटा घड़ियाल बज रहे थे। एक ही रथ पर भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और लाडली बहन सुभद्रा विराजमान थी। रथ यात्रा बाजार के प्रत्येक प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा की अगवानी की। बाजार के कई व्यापारियों ने भगवान का रथ खींच रहे भक्तों को शरबत जूस और कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनका सम्मान किया। रथ यात्रा में मानस प्रचारिणी समिति के अध्यक्ष नित्यानंद उपाध्याय, सचिव विजयानंद उपाध्याय, समाज सेवी सिद्धांत तिवारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय, आगंतुक अतिथि योगेश शुक्ल, आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल, टीना माँ, राज्य विधि अधिकारी अभिषेक तिवारी, विजयकांत मिश्र, जितेंद्र शुक्ल, राजू तिवारी, अमित शुक्ल, समी शुक्ल, नितेश तिवारी, बबलू उर्फ नीरज तिवारी, शिव उपाध्याय बहु प्रधान, दिनेश मिश्र, विवेक गुप्ता, मुकेश कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।